हाँ मैंने कहा मैं नीचे चावल बनाने जा रही हूँ, उसमें कपड़े डाल रखे हैं मैंने सुखाने वाले में, अगर कोई खड़बड़ खड़बड़ आवाज से आई ना तो यहाँ से बटन बंद कर देगा, कई बार ना बंद कर दूँ, मतलब चलानी आती है मेरे को, चलानी नहीं इसको तो बंद कर दो आवाज से आने। ठीक है ठीक है ठीक है। मम्मी तो सारा दिन भर सुबह जल्दी उठते ही काम शुरू कर देती है, सुबह उठते ही साफ सफाई करना, फिर ब्रेकफास्ट बनाना, उसके बाद इधर कपड़े धो दिए, फिर लंच बनाना, और उसके बाद फिर डिनर, मतलब पूरा दिन भर बिजी। तो हमको भी मम्मी जी का हाथ बटा देना चाहिए। अभी फ़िलहाल मम्मी चावल बनाने के लिए गई है, और हाँ काफ़ी लोग बोल रहे थे कि मम्मी को ऑटोमेटिक वाली मशीन दिला दो। मैंने मम्मी को बहुत बार बोला, मम्मी कह रही मुझे नहीं चाहिए। बाय द वे पीयूष गया स्कूल, तो वो 2 बजे आएगा, और बाकी सब भी कहीं कहीं गए हुए हैं। मैं अभी थोड़ी देर पहले उठा था, और हाँ मैंने टी शर्ट डाल रखी है बिकॉज हमारे यहाँ बिल्कुल भी ज़्यादा ठंड नहीं हो रही है। अब फिलहाल मैं एडिटिंग कर रहा हूँ अपनी ड्राइंग वाली वीडियो की, जो कि मैं आज ही अपलोड कर दूंगा, उसके बाद व्लॉग स्टार्ट करते हैं। अभी तो कोई है भी नहीं अकेले में, पहले आप अगर आपने मेरे स्टार्टिंग के व्लॉग देखे हैं ना, मैं अकेले ही सारा व्लॉग कंप्लीट कर देता, कुछ कुछ बोल के गाय अभी ये कर रहा हूँ अभी ये अभी वो, अपना थोड़ा बोरिंग सा लगता है। तो सब होने चाहिए, पीयूष होना चाहिए, साहिल होना चाहिए, मम्मी, सब कोई ना कोई तो होना चाहिए ना, तब इंटरेस्टिंग बनता है थोड़ा व्लॉग। काम हो चुका है, वीडियो अपलोड हो चुकी है, अब मेरे को भूख लग रही है, खाना खाने चलते, देखते क्या बनाया मम्मी जी ने। तो खाना मैं अरे आ गया, इसकी जो स्कूल की टाइमिंग है वो प्रॉपर हो चुकी है, सुबह 8 बजे लेके दिन के 2 बजे तक नॉर्मल स्कूल हो चुका है, मतलब है ना। और ड्रेस भी चाहिए, तो इसके लिए आज ड्रेस भी लेके आनी है मार्केट से, नई नहीं। अच्छा हाँ, 6th क्लास में हो गया ना ये, तो 6th क्लास से नई ड्रेस चेंज होती है, देखेंगे कैसी लगती है इस पे। और ये क्या दीदी यहाँ पर है, ये है। सारे बच्चे आए थे क्या? हाँ, ना गर्ल्स तो पूरी फुल आई थी, जितनी स्कूल में आती है थी, बॉयज 5-6 गिनती गए। ये पैंट तेरे को छोटी हो रही है, और ये जूते भी स्कूल के नहीं है। तो अभी का सीन ऐसा है कि अभी हम जा रहे हैं मार्केट इसके स्कूल ड्रेस लेने के लिए। क्या कर रहा है तू? ये कपड़े डाल, तैयार हो जा जल्दी, चलते हैं फिर। 3 बज गए, जीन्स के बाहर से ही डाल लिए पीयूष ने। हाँ सही है सही है सही है। चलो जी अब शर्ट भी डाल के दिखाओ। सही है सही है, एक और ले लो, 2 ले लो ऐसी। मम्मी जी देखो ठीक है, ये भी सही है, ठीक है। घर पहुंच चुके हैं, अब है वेट हमारे डायलॉग का, तो और ये पक्का गेट पे आएगा 100%। सौदा आगे हैं ओलू, पीयूष के लिए ड्रेस ले आए हैं। चलो चलो आओ ऊपर, चलो ऊपर, सारा सामान ले आए ड्रेस का, पैंट शर्ट व्हाइट पैंट ग्रे पैंट 2 शर्ट जूते सॉक्स ब्लेजर सब उठा लाए, ब्लेजर भी लिया। हाँ गाइस, मेरे टाइम में ना स्कूल टाइम में मैंने आज तक कभी भी इतनी महंगी शॉपिंग नहीं की, और इतने सारे ड्रेस आज तक कभी भी साथ में लाई। मम्मी रास्ते में बता रही थी, मम्मी साथ आ रहा था ना बाइक में, कि तुम्हारे लिए मैं ऐसे लाते थे जहाँ सबसे सस्ते मिलते थे, 100-200 रुपए के कपड़े लाते थे तुम्हारे लिए बस। तो काफ़ी मतलब इंस्पायरिंग सा लगा वो सब सुन के, तो अच्छा लगा। बट भी उसके लिए सब उठा लाए एक ही बारी में क्योंकि ज़रूरी थे ना, इसको नए नए चाहिए थे। तो अभी आपको दिखाते हैं कि साहिल और पीयूष के और मेरे स्कूल में क्या ड्रेस थी, हम तीनों एक ही स्कूल में थे। अब आप ये ब्लेजर थोड़े पहनते हो? हाँ लेकिन मैं ब्लेजर नहीं पहनता था, मैं स्वेटर पहनता था, क्योंकि उस टाइम पे ब्लेजर बहुत महंगे मिलते थे ना, तो स्वेटर तो सस्ती मिल जाती है। तो आज फिर से मैंने वो फील किया जो स्कूल टाइम में मैं अभी कपड़े लेने जाता था वहाँ पे, इसकी हरकतें देखी मैंने, और देखो ये कितना एक्साइटेड हो गया, आते ही सीधा कपड़े खोल दिए इसने, अब डाल के देख रहा है। तो इस तरह से हम भी करते थे, सभी ऐसे करते हैं भाई, लेकिन हमारा थोड़ा सिस्टम अलग था उस टाइम का। बाय द वे ओरियो घूमर कर रहा है, वो भी एक्साइटेड हो गया। चलो आज हमारा दिन में स्कूल लगेगा। अरे हाँ टाई का है, टाई पहन, टाई और बेल्ट। थोड़ा टेम्पू वाला स्टाइल मार दो, ये थी ठीक है, दिखा दे। चाय बना दी, थैंक यू सो मच, हो गया रेडी। टाई अंदर डाल, टाई अंदर डलती है, टाई अंदर डलती है। हाँ तो गाइज ये है मेरी कंप्लीट बिल्कुल यूनिफॉर्म, जो सैल दा सौरदा और मैं तीनों डालते हैं, तो देखो अच्छी लग रही है। मैं नहीं डालता, मैं डालता था, डालते थे हम, था। अरे हाँ सैल दा भी डालते थे, मतलब बिल्कुल जेंटलमैन वाली लुक आ रही है, चाहे कुछ भी कह ले, बेइज्जती तो तेरी होनी है, बेइज्जती तो होनी है। अब क्यों बोला इसको, क्या इसको क्या हो रहा है? ओली मेरी पुरानी वाली ड्रेस चली, ये नमस्ते नमस्ते COVID-19 नमस्ते कर रहा है, नमस्ते ओए नमस्ते नमस्ते ओए नमस्ते 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 ओरी ओरी नमस्ते, ये तो कोविड नमस्कार कोविड-19 अरे आपकी प्रक्रिया अब पूरे देश में शुरू हो गई है, कहीं ना करा जाए ऐसे करता है, नहीं नहीं नमस्ते करता है, क्या करता है वो? इसमें 4 पॉकेट है, 2 3 और एक अंदर भी सीक्रेट।
अब उतार दे इसको, कल सुबह स्कूल जाना है तब डालियो ना। अरे पीछे तो मशीन में कपड़ा घुसा है, चाय आ चुकी है अपनी। तो अभी का सीन ऐसा है, कल हम राइड पे गए थे लॉन्ग राइड पे और काफी टाइम से मैंने बाइक धुलवाई नहीं है, तो फिलहाल मैं अभी बाइक धुलवा के लाता हूँ। बाइक धुलवा के ले आया हूँ मैं, बिल्कुल चमका के देखो, मतलब 10 मिनट भी लगी उनको धोने में, सीधा पानी मारा एकदम से साफ कर दी। मैं जब धोता मुझे 1 घंटे से ज्यादा लग जाता है, वहाँ पाइप लेके जाओ फिर धो, 1 घंटे से ज्यादा लग जाता है मुझे, तो ये ठीक है, फर्स्ट टाइम गया था मैं तो, और बिल्कुल चमक चुकी है अच्छे से। तो अब इसको निकालेंगे अपनी नेक्स्ट लॉन्ग राइड पे, ठीक है। हाँ 10 मिनट भी लगाई कह रहा हूँ मैं। लो देख, अरे आओ देख लो, लो इधर किसपे, टायर पे न्यू ही साफ। अब तो ऐसे ही बोलते हो, बाल कटवा के लाया, बाल तो कटवा के नहीं लाया, धोया। देख तो एक यहाँ देख, इस साइड है मिट्टी, देख कहाँ है मिट्टी, क्या है, चला के भी तो लाया हूँ मैं वहां से। फिर तो कपड़े से कवर कर दिया मैंने, मैंने इसे कवर वगैरह तो मंगाया नहीं, बिकॉज जरूरत पड़ती नहीं है, पूरा दिन भर निकालते रहते हैं और वैसे भी घर में खड़ी रहती है, तो अपना कपड़ा ही ढक देते हैं, देसी जुगाड़। बाय द वे पीयूष गुस्सा हो चुका है बिकॉज मैं बाइक धुलवाने ले गया और पीयूष को नहीं ले गया, तो कह रहा मुझे क्यों ले गया, मुझे क्यों ले गया यार, बाइक धुलवाने तो गया था सिर्फ। तो गाइस पीयूष की पतंग काट दी है ओयो के दुश्मन ने। तुम किसने काटी, तुमने काटी है, वाह यार, मैं आपसे बात कर रहा, दिखी नहीं मेरे को। और यो आपके दुश्मन ने पीयूष की पतंग काट दी, पीयूष दोबारा अपनी करवाने के लिए रेडी है, दूसरी पतंग इसने उड़ा ली है। और यो आप दुश्मन की साइड हो या पीयूष की साइड हो, हवा की उल्टी साइड नहीं, हवा की उल्टी साइड नहीं, गलती भाई, गलती 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 गलती। ठंड लगती है, मैंने कहा ओढ़ दी बढ़िया कर, मम्मी ओढ़ता हूँ मैं रोज, नहीं फिर भी ओढ़ दिया कर ना, ठंड तो उसको भी लगती है, ठंड मेरे को नहीं लगती, उसको कहाँ से लगेगी, तेरे को नहीं लगती, ऐसी सुला फिर बिना ओढ़े, मैं बिना ओढ़े, मम्मी आजकल ठंड हो ही नहीं रही है, ऐसे क्यों कहता है यार। हाँ ओढ़ दूंगा, ओढ़ दूंगा, वो निकल जाएगा अभी देखना, आपके जाते ही निकल जाएगा, अरे निकलेगा मुझे पता है ना, है ओलू निकलोगे ना, क्या देख रहे, उड़ गया निकल गया ना, देखो लो लो लो, मेरे को क्या देख रहा है, आजा मेरे को देख नहीं रखा उसने, बेड में नहीं ना, अपने बेड में नहीं, मेरे साथ ही सोता है, या कशिश है तेरा, मेरे साथ मेरे पैरों में सोता है, वो टेंशन ना लो आप, बिस्तर के ऊपर, हाँ बिना ओढ़े, बिना ओढ़े रोज, कभी रोज नहीं उड़ता इसको, मैं रोज उड़ता हूँ, निकल जाता है फिर ये, आजा चलो 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 चलो, गुड नाइट, और बड़ी मम्मी को गुड नाइट कह दो, ठीक है आप सो जाओ, मेरे को एडिटिंग करनी है, कितनी क्यूट लग रही लड़की। मम्मी के जाते ही ओरियो भाग गया, देखो कंबल नीचे फेंक के शायद अपने बेड के पास चला गया, ओरियो पानी पीने आया हुआ है भाई, तगड़ी प्यास लग रही है इसको, तो आजा 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 आजा, हाँ कंबल तो नीचे फेंक दिया है, आजा ऊपर आजा, ओरी यहाँ आजा, यहाँ आजा, ओढ़ दूँ, मम्मी कह गई है मुझे ओढ़ना पड़ेगा, ठीक है ठीक है सो जा। और ये सो चुका है यहाँ पे बिना ओढ़े, ये नहीं ओढ़ रहा, मैंने 2 दिन बाद इसको ओढ़ दिया। फिलहाल मैं इस व्लॉग को एंड करता हूँ, आई होप आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना गाइस, एंड चैनल पे नए हो सब्सक्राइब भी कर देना, रेड कलर का बटन होगा नीचे इसको क्लिक कर दो बस। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। बच्चा हुआ है, किसका हुआ है, ओरियो का बच्चा, 14 बच्चा हुआ है, बच्चे का पैर बाहर निकल रहा है, पैर बाहर निकल रहा है बच्चे का। Still they bow down, just a piece in the game, to the miserable